इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। चाइना के जानिब से भारत के 20 फौजियों को मारे जाने पर बेलगाम शहर में गम गुस्से का मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान संघर्ष समिति और टीपू सेना के कई कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मेरा सवाल कि जिस तरह से आपने चाइना की चीज़ों को बायकॉट करने का जो ऐलान और जो नारा दिया है, जहाँ पर तकरीबन 80% पूरे देश के मार्केट पर चाइना का कब्जा है, वो कैसे चीज़ों को बायकॉट करेंगे बताइए। बड़े अफसोस की बात है, मुझे कहना पड़ रहा है, ये जो चाइना की इतनी बड़ी ताकत जो बढ़ गई है, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो है मेहरबानी है। ये 6 साल में 18 बार जो है चाइना को जाके आए, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, और दोस्ती का हाथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है, और चाइना ने उसका जवाब हमारे जवानों को शहीद करके जो है हमारे को दोस्ती का वो हिसाब दे रहे हैं। तो इसके लिए जो है हम नरेंद्र मोदी से हम कहना चाहेंगे कि आप बाहर का दौरा करना बंद कर दो, हमारे हिंदुस्तान में जो चल रहा है और मेक इन इंडिया हिंदुस्तान में बनाओ, आप बाहर जाके क्यों बना रहे हैं, बाहर के कंपनियों को साथ दे रहे हैं। इसके लिए जो है चाइना का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे हिंदुस्तान के अंदर इंडिया के अंदर चल रहा है, इसके लिए प्रोडक्ट लेकर जो है हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं कहता हूँ कि हमारे जो हिंदुस्तान के हर एक बंदे के अंदर जो खून है वो दबने वाला खून नहीं है और ठंडा खून नहीं है। अगर आप इसी तरह से कोशिश करेंगे, जंग लड़ने की कोशिश करेंगे, हमारे शहीदों को, हमारे जवानों को शहीद करने की कोशिश करेंगे, तो हम एक एक हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, एक एक मर्द और एक एक औरत हम खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि चाइना के घर में घुस कर मारेंगे हम इंशाल्लाह उसको। इस वक्त जो चाइना ने हमला किया हिंदुस्तान के सैनिक जिसमें शहीद हुए हैं, तो इंशाल्लाह इस पूरे हिंदुस्तान का एक एक बच्चा और जवान, हर एक हिंदुस्तान के लिए अपनी जान को, जैसे हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारा खून बहाया गया जिसमें मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, इसी तरह हिंदुस्तान पे जब भी हमला होगा इंशाल्लाह हर मज़हब वाले, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, हम सब इंशाल्लाह इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं, जान देने के लिए भी तैयार हैं, जान लेने के लिए भी तैयार हैं। यह मुल्क हमारा है और इस मुल्क के लिए हमारे पुश्तों की जान और माल लगी हुई है। जब भी मुल्क पर कोई हादसा आता है तो उसका वार सीधा हमारे सीनों पे चलता है। जिस तरीके से इन सैनिकों को, 20 लोगों को जो शहीद किया गया है, ये काबिल मजम्मत है। इसका सबसे पहले अफसोस हमारी हुकूमत को होना चाहिए कि ऐसे दौर में हमारे 20-20 अफराद मारे जा रहे हैं सैनिकों के। इसकी कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से हिंदुस्तान की एक एक इंच ज़मीन कैसे बचे और चाइना के कब्ज़े में न जाए, यह हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार है। दूसरे तरफ जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि चाइना का बायकॉट कैसे हो, तो देखिए कि हिंदुस्तान एक कोई छोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाए और नए नए जो है प्रोडक्ट्स यहाँ पर जो है बनाए जाएँ और उसी के ज़रिए से हम हमारी ज़िंदगी यहाँ गुजारें, तो हिंदुस्तान भी डेवलप होगा और चाइना का इस तरीके से बायकॉट भी होगा। अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने जो मुस्लिम की जो हरकत की है और गद्दारी जो की है भारत देश के साथ में, और जो है धोखे से जो पीठ पीछे जो वार किया है भारत देश के जवानों के साथ जो है, तो इसका बदला जो है हम जो है सरकार को कहना चाहते हैं कि इसका बदला लें, और हम बदले की उम्मीद में है। जो चाइना ने धोखे से और दगाबाजी से जो भारत के जवानों को शहीद किया है, इसे हम चाइना को जो चेतावनी देना चाहते हैं, अगर लड़ना है तो सामने से आकर लड़, 20 हमारे 20 गए तो तेरे 200 जाएंगे इंशाल्लाह चाइना के, और इसके बाद में अगर भारत देश के आंखों में आंख डाल कर देखेगा कोई भी देश, उसके आंख की गोटियां निकाल कर खेलेंगे इंशाल्लाह। जय भारत, जय हिंद। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन में मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो आज जिस तरह के हालात चाइना के तरफ से हमारे मुल्क हिंदुस्तान को दिखाए जा रहे हैं, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, और जो जवान शहीद हुए हैं हिंदुस्तान की सरहद पर, तो हम उनको श्रद्धांजलि पेश करने के लिए, उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, और हम हिंदुस्तानी हुकूमत से ये
इल्तमास करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मेक इन इंडिया की बजाय मेड इन इंडिया अगर लेबल अपनी देश को मिल जाता है तो मेड इन इंडिया अगर रहा तो हिंदुस्तान में इतनी काबिलियत है, इतना टैलेंट है कि हिंदुस्तान एक सुई से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर चीज़ बना सकता है। हम लोग आज इसलिए हैं क्योंकि जो चाइना में जो वॉर जो किए हैं, जो शहीद हुए, श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे इंडियन सोल्जर्स को, और मेन थिंग जो इंपोर्ट हो रहा है चाइना के प्रोडक्ट्स, वो स्टॉप करना चाहिए। यही कोशिश है, क्योंकि अगर हम लोग इम्पोर्ट स्टॉप करेंगे तो चाइना खुद ब खुद जाएगा लॉस में। बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इतना प्रॉब्लम में हैं और हमारे इतने शहीद हुए हैं, उनके लिए हम लोग आज जमा हुए हैं अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए।